कंगना जी का फिर फोन आया, यहाँ का आग्रह किया, मैं फिर आज नागपुर से निकल कर आया हूँ। मैं एक बात के लिए आया हूँ, आप कुछ चिंता मत करो, आप कमल की बटन दबाओ, कंगना जी को चुन कर दो, मंडी लोकसभा क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश की विकास की गारंटी देने के लिए आपके पास आए। सभी सभी बीमारियों के ऊपर एक ही इलाज है, कमल की बटन दबाओ, और मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी है, आपकी तस्वीर बदल जाएगी, आपकी तकदीर बदल जाएगी और आपका विकास की अपेक्षाएं पूरी होगी। इसी बात का विश्वास देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कंगना जी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने उनके झांसी की रानी के ऊपर जो सिनेमा था बहुत सुंदर देखा था, बहुत अच्छा था, वो बहुत प्रतिभाशाली कलाकार है। और अभी आपकी सांसद बनकर यहाँ के विकास के आपका साथ देना चाहती है, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सांसद बनकर आपका विकास करना चाहती है, उनका जन्म स्थान भी हिमाचल है, और इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि 100 बीमारियों का एक इलाज है, कमल को चुनिए, कमल की बटन दबाइए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, हमारी सरकार को लाइए, जो जो बातें मैंने बताई वो 100% पूरी करने की गारंटी लेकर मैं आपके पास आया हूं। आप उनको जिताइए, रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से जिताइए, और भारतीय जनता पार्टी को और कंगना जी को आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए, यही प्रार्थना करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और निश्चित रूप से जो गारंटी मैंने दी है वो मैं निश्चित रूप से पूरी करूंगा। ये वचन देते हुए आप सबको शुभकामना और शुभेच्छाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की। ये चुनाव कोई कंगना जी का, भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का भविष्य और भवितव्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव सही अर्थ में आप सबके भविष्य का और भवितव्य का निर्णय करने वाला चुनाव है। आपको पता होगा कि 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद में इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, फिर सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। हमारा देश 75 साल पूरे कर रहा है, और इस 75 साल के इतिहास में 60 साल शासन करने का अवसर कांग्रेस पार्टी को मिला। जब बैल जोड़ी थी तो आप लोगों ने बैल जोड़ी पर ठप्पा मारा, फिर गाय बछड़ा आया, लोगों ने गाय बछड़े पर ठप्पे मारे, फिर पंजा आया, पंजे पर ठप्पे मारे। कांग्रेस ने कभी 20 कलमी, कभी 5 कलमी, कभी 40 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की। कांग्रेस की सरकार ने यह ऐलान किया कि हम देश से गरीबी हटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, गरीबी हटाओ, ये कांग्रेस पार्टी का नारा था। 60 साल तक कांग्रेस पार्टी को मौका देने के बाद में भी क्या गरीबी हटी, क्या बेरोजगारों को रोजगार मिला, क्या गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हुआ, क्या गांव में जाने के लिए रोड बने, क्या गांव की जनता को शुद्ध और स्वच्छ जल मिला, क्या गांव के जवान युवाओं के हाथों को काम मिला, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यही है कि जो सपने दिखाए थे वो सपने ही रहे। बहनों और भाइयों, जो नेता सपने दिखाता है जनता उसके ऊपर बहुत खुश हो जाती है, पर दिखाए हुए सपने पूरा करता है
तो जनता कभी उसको भूलती नहीं, उसका साथ जन्म भर देती है। और जो नेता दिखाए हुए सपने पूरे नहीं करता, जनता के साथ विश्वासघात करता है, उसको जनता उखाड़ कर फेंक देती है। यही राजनीति का इतिहास है। अब याद करिए कि 47 के बाद हिमाचल कहां था और कहां है। 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई। मैं बाकी चीजों की बात नहीं करता, मेरे ही डिपार्टमेंट की बात करता हूं। 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में जितना काम हमने किया, उतना काम कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में नहीं किया, वो 10 साल में हमने करके दिखाया। और केवल रुका नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी समस्या को मैं समझ सकता हूं। बहुत बार हिमाचल में आया हूं, आपकी सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो रोड की समस्या है, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जलोड़ी जोत से कुल्लू जिले में बंजार से आबी के बीच 1000 करोड़ की लागत से हमने 3 किलोमीटर के टनल का निर्माण करने का निर्णय कर लिया। इसका डीपीआर चल रहा है और डीपीआर मिलने के बाद निश्चित रूप से तुरंत इसका काम शुरू होगा, ये वचन मैं आप सबको देता हूं। किन्नौर से रामपुर आने जाने का 3 घंटे का समय इसके कारण बचेगा, आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कुल्लू से देवेंद्र नगर के बीच उरला में 600 करोड़ की लागत से 3.5 किलोमीटर टनल का दिसंबर 2024 में यह भी डीपीआर पूरा हो जाएगा। और पठानकोट से ले और कुल्लू से कांगड़ा आने जाने का समय 3 घंटे बच जाएगा। कीरतपुर नेरचौक प्रोजेक्ट में सुंदरनगर में 6.5 किलोमीटर का बाईपास भी जून में बन जाएगा, यह भी विश्वास मैं आप सबको देता हूं। बहनों और भाइयों, हम हिमाचल प्रदेश में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्चा करके टनल का निर्माण कर रहे हैं। यह टनल में मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं। मैं जब विद्यार्थी था तो हमारे यहां भाषण दिए जाते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हम केवल स्कूल में बोलते थे। मुझे इस बात का पता नहीं था कि कभी जीवन में ऐसा भी अवसर आएगा कि ये पूरा करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। आप मनाली से रोहतांग पास जाते हैं तो जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अभी हमने अटल टनल बनाई है, 8 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। और अटल टनल से बाहर आने के बाद लद्दाख और लेह तक हम 20,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 8 टनल बना रहे हैं और इसमें 3 हिमाचल में और 4 लद्दाख में है। शिंगोला में टनल, बारालाचाला में टनल, साधना लापास में टनल, 107 किलोमीटर की है, 113 किलोमीटर की है, 104 किलोमीटर की है। और बहनों और भाइयों, ये पहली बार हिमालय के बीच में बड़ी बड़ी टनल का हम निर्माण कर रहे हैं। तांगलांग टनल लद्दाख, लाचुंगला टनल 14 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, फातुला टनल 2 किलोमीटर, नमकीला पास टनल 2 किलोमीटर, करीब 20,000 करोड़ रुपए केवल टनल पर हिमाचल प्रदेश में हमने खर्चा करने का तय किया है।